प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान बिल वापस करने पर किसान नेताओं और किसानों का पक्ष संभल में आज बैठरी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष शंकर सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित सिंह तेवतिया, चंदोसी तहसील अध्यक्ष मोहर सिंह यादव ने कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रकाश पर्व पर वापस लेने के संदर्भ में बातचीत करते हुए किसान नेता शंकर सिंह यादव ने बताया कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और इस पर कानूनी नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोदी जी का निर्णय सही है पर किसानों के मुद्दे भी बहुत हैं जो अब तक नहीं सुने गए। इसमें एमएसपी और गन्ने का भुगतान 15 दिनों में कराने की बात की गई। सुमित सिंह तेवतिया ने बताया कि पिछले 1 साल का किसानों का संघर्ष सफल रहा पर एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत है। अध्यक्ष जी, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने जो 3 बिल वापस लिए हैं किसान अध्यादेश के, उसके विषय में आपका क्या कहना है? और जो पिछले कई महीनों से जो संघर्ष चल रहा था, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष का विराम लग गया है, और इसे विराम कहा भी जाए या नहीं, क्योंकि अभी ये संसद में भी हटना है, तो इस पर आपका क्या व्यक्तिगत सोच है आपकी? मैं शंकर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष संभल। जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वापस लिए गए, इनका पहला श्रेय जाता है जो हमारे 700 से ज्यादा किसान बॉर्डरों पर शहीद हुए, उनकी जो कुर्बानी है, उनकी शहादत जो है उसके ज्यादातर, और दूसरे नंबर पर टिकैत साहब का घर वापसी का ऐलान हो जाना कि हम, मैं जब तक बिल वापस नहीं होंगे घर वापस नहीं होंगे, तो वो भी एक बहुत मेन मजबूत बात थी। इसको लेकर के सरकार पहले से ही घबरा रही थी, मगर उन्होंने किसी के बहकाए से, कहे से, जिसको वापस कर लेना चाहिए था ना, अब तक नहीं किया, और आज जो कराया तो वो भी आज जो वापस लिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को भारतीय किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने देर से ही वापस लिए, तो लिए तो सही, और तमाम जनपद के, तमाम देश के, तमाम लोगों के हित में जो लड़ाई किसानों लड़ रही थी उसको लेकर के हम लोग जो है पूरे टिकैत साहब के साथ है, और आज जो है उनका ऐलान